हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। माय सेल्फ रिशिका, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडियन पॉलिटी। तो इंडियन पॉलिटी में आज हमारा न्यू लेसन स्टार्ट हो रहा है, जिसका नाम है पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस पर हम लोग स्पेशल फोकस देंगे और हर एक चीज़ को अच्छे से समझेंगे। तो जितनी भी लेसन यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, उन सारे के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर आप प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आपका लेसन कंप्लीट हो चुका है। तो सब यहाँ पे पॉसिबल नहीं होता है कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब दे पाऊँ, तो जो जो इंपॉर्टेंट है मैं तो उसमें आपको दे देती हूँ। लेकिन एक लिंक आप ओपन करोगे तो उसके बाद आपको साइमल्टेनियसली सारे लिंक आपको दिखने लगेंगे। ओके, तो वैसे अगर आपको सीरीज़ वाइज देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में आके स्टार्टिंग से आप सारी वीडियोज़ देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज के लेसन। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी एक न्यू चैप्टर, जिसको कहेंगे पार्लियामेंट। पार्लियामेंट को हिंदी में संसद कहते हैं। तो पार्लियामेंट हमारे यहाँ एक लेजिस्लेटिव ऑर्गन है, वो भी यूनियन गवर्नमेंट की। तो पार्लियामेंट अगर ना हो तो क्या होगा, और पार्लियामेंट क्यों होती है हमारे कंट्री में? हर एक कंट्री में आपको पार्लियामेंट देखने को मिलेगी, कि हर एक कंट्री में संसद होती है, क्योंकि जो भी हमारे कंट्रीज़ में जितने भी लॉज हैं, जितने भी कानून हैं, जितने भी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना होता है, सब कुछ यहीं से डायरेक्शंस दी जाती है, सब कुछ यहीं से कंट्रोल किया जाता है। जैसे आप एक दिनचर्या में स्टार्ट करते हो, तो आपको अगर बाहर निकलते हो तो ट्रैफिक रूल्स फॉलो करते हो, उसके बाद आप सैनिटेशन का भी प्रॉपर ध्यान रखते हो, उसके बाद आप जो भी चीज़ें करते हो, जो भी आप रूल्स रेगुलेशंस अपने कंट्री में फॉलो करते हो, वो सब कैसे फॉलो करते हो, जो भी यहाँ पे पार्लियामेंट के द्वारा दिया गया है उससे हम लोग फॉलो करते हैं। पार्लियामेंट डायरेक्ट करती है, और पार्लियामेंट जो भी डायरेक्ट करती है उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे फॉलो करते हैं। तो हमारा जो भी कानून बनता है इंडिया में, वो यहाँ पार्लियामेंट से बनकर आता है। हालांकि पार्लियामेंट से जो बनकर आता है वो पूरी कंट्री में इंप्लीमेंट होता है। 29 स्टेट से लेकर 7 यूनियन टेरिटरीज तक यहाँ पे सब जगह ये इंप्लीमेंट होती है। ओके, तो इसलिए पार्लियामेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। हमारे कंट्री में इसे पार्लियामेंट कहते हैं, लेकिन अलग अलग कंट्री में अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। तो आप ये मत सोचिए कि दूसरे कंट्री में भी पार्लियामेंट बोलते हैं। संसद हर एक कंट्री में होता है, क्योंकि संसद काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। यहीं पे बैठ के सारी डिस्कशन की जाती है, सरकार यहीं पे होते हैं, और वो पूरी तरीके से यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को पूरी कंट्री में किस तरीके से मेंटेन करना है, सब कुछ यहाँ पे इंप्लीमेंट करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे बनता भी है। साथ ही साथ दूसरे कंट्रीज़ में भी संसद होते हैं, लेकिन वो अपने हिसाब से अपना नाम रखते हैं। ओके, तो हमारे यहाँ की जो संसद का नाम है वो है पार्लियामेंट, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप पार्लियामेंट समझ गए, पार्लियामेंट की सारी चीज़ें समझ गए, तो यानी आप जो है आधा पॉलिटी समझ गए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये लेसन। और यहाँ पे हमारी ये लेजिस्लेटिव ऑर्गन है यूनियन गवर्नमेंट की, और यहाँ पे हम लोग जो फॉलो किए हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये हमारे पार्लियामेंट से ही, पार्लियामेंट में ही हमारी इस चीज़ को फॉलो की जाती है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हम लोग के यहाँ दो तरीके की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, मैं स्टार्टिंग में बताई थी, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आपको देखने को मिलेगी US में है, लेकिन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारे यहाँ, क्योंकि जो भी कानून बनती है पार्लियामेंट से बनती है। और पार्लियामेंट के कौन कौन से कंपोनेंट है, तो लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट यहाँ पे सुप्रीम होते हैं, उसके बाद उनके जो भी आपके लोअर हाउस और अपर हाउस होते हैं। ओके, तो यहाँ पे वेस्ट मिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट है, जिसको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को यहाँ पे वेस्ट मिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं। आर्टिकल 79 से लेकर 122 पार्ट 5 में कॉन्स्टिट्यूशन के, संविधान के, यहाँ पे डील किया गया है कि हमारे यहाँ भी पार्लियामेंट होनी चाहिए, और पार्लियामेंट में ऑर्गेनाइजेशन क्या होनी चाहिए, कंपोजिशन क्या होनी चाहिए, ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए, ऑफिसर्स कौन कौन हो, प्रोसीजर क्या हो, प्रिविलेजेस किसको देना है, और पार्लियामेंट की पावर क्या होनी चाहिए। ये सब कुछ आपको 79 से 122 आर्टिकल्स तक देखने को मिलेगा। और पार्ट 5, पार्ट और आर्टिकल बहुत याद करने की ज़रूरत है, मेनली कुछ कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे मैं कल बताई थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में बताई थी, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ का तो आपको याद करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो पूछ लिया जाता है। लेकिन आप जैसे ये छोटी मोटी है, जैसे आप समझ सकते हो प्रेसिडेंट का आपको पता होना चाहिए, चीफ मिनिस्टर का पता होना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर का पता होना चाहिए, उसी तरीके से आपको पार्लियामेंट का भी पता होना चाहिए। एटलीस्ट थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि किस आर्टिकल में यहाँ आपको मेंशन किया गया है। अब सबसे पहले एक एक करके सारी चीज़ें देखेंगे, ऑर्गेनाइजेशन, कंपोजिशन, ड्यूरेशन, ऑफिसर, प्रोसीजर, प्रिविलेज और पावर। तो सबसे पहले हम लोग ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं कि पार्लियामेंट में किस तरीके से पार्लियामेंट को ऑर्गेनाइज़ किया गया है हमारे कंट्री में। तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर देखें तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया 3 पार्ट से बनी है। एक आपका प्रेसिडेंट हो गया, दूसरा आपका काउंसिल ऑफ स्टेट हो गया, और तीसरा आपका हाउस ऑफ पीपल हो गया। तो काउंसिल ऑफ स्टेट हम लोग राज्यसभा को कहते हैं, इसको अपर हाउस भी कहते हैं, हाउस ऑफ पीपल्स को हम लोग लोकसभा भी कहते हैं, और लोअर हाउस भी कहते हैं। तो कुछ भी नाम आए आप कंफ्यूज मत होइएगा। 1954 में जो हिंदी नेम था राज्यसभा और लोकसभा, ये अडॉप्ट किया गया काउंसिल ऑफ स्टेट के लिए और हाउस ऑफ पीपल्स के लिए। राज्यसभा जो है वो अपर हाउस है, इसको सेकंड चैम्बर भी कहते हैं, और हाउस ऑफ एल्डर्स भी कहते हैं। लोकसभा की बात करें तो ये लोअर हाउस है, इसको फर्स्ट चैम्बर और पॉपुलर हाउस भी कहते हैं। जो फॉर्मर है यानी जो राज्यसभा है, वो यहाँ स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ को रिप्रेजेंट करती है इंडियन यूनियन में, और जो लोकसभा है वो यहाँ पे पीपल ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करती है। ओके,
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे मेंबर नहीं होते, दोनों में से किसी भी हाउस के मेंबर नहीं होते, यानी वो पार्लियामेंट में यहाँ बैठते नहीं है, लेकिन हाँ वो यहाँ पे अटेंड करते हैं मीटिंग और वो एक इंटीग्रल पार्ट होते हैं पार्लियामेंट के, क्योंकि जो भी चीज़ें पार्लियामेंट में चलती है, जो भी यहाँ पे एक्ट बिल निकल कर आता है, तो एक्ट तभी बनता है जब प्रेसिडेंट उनको साइन कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे बिल जो है पास होता है दोनों हाउसेस से, और ये यहाँ पे लॉ नहीं बन सकता जब तक यहाँ पे प्रेसिडेंट के असेंट नहीं हो, इसलिए प्रेसिडेंट को पार्लियामेंट का पार्ट कहा जाता है। यहाँ पे वो कुछ सर्टेन फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं जो कि पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर देखोगे तो यहाँ पर वो बुलाते हैं, प्रोरोग भी करते हैं दोनों हाउसेस को, और लोकसभा को डिजॉल्व भी करते हैं, साथ ही दोनों हाउसेस को यहाँ पर एड्रेस भी करते हैं, कुछ ऑर्डिनेंस भी इशू करते हैं, जैसे कानून वगैरह हो गया जब यहाँ पर सेशन में नहीं है दोनों पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज अगर यहाँ पर सेशन में नहीं है तो प्रेसिडेंट यहाँ पे ऑर्डिनेंस भी इशू करते हैं, यानी कानून भी बनाते हैं। इसके साथ ही जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो फ्रेमर्स हैं वो हमारा पूरी तरीके से पार्लियामेंट पैटर्न पे ही रिलाइड है, ना कि अमेरिकन पैटर्न पे, क्योंकि ब्रिटेन में आप देखोगे तो पार्लियामेंट यहाँ पे क्रॉन है जिसको कि किंग और क्वीन कहते हैं, और हाउस ऑफ लॉर्ड्स है जिसको अपर हाउस कहते हैं, और हाउस ऑफ कॉमन है जिसको लोअर हाउस कहते हैं। तो इसी तरीके से हम लोग भी यहाँ फॉलो करते हैं, क्रॉन की जगह प्रेसिडेंट है और ये अपर हाउस में हम लोग का राज्यसभा है, लोअर हाउस में हमारी लोकसभा है। लेकिन इसी के साथ साथ आप अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट देखोगे तो ये इंटीग्रल पार्ट नहीं होते हैं लेजिस्लेचर के। यूएसए की बात करें तो जो यहाँ पे लेजिस्लेचर है उसको कांग्रेस कहते हैं, और यहाँ पे आपके सीनेट होती है और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होती है। सीनेट जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा है अपर हाउस, वहाँ पे आपकी सीनेट होती है, हमारे यहाँ जो लोअर हाउस है यानी लोकसभा है वहाँ पे ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होती है। जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो यहाँ पे इंटरडिपेंडेंस यानी लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन से ये इंटरडिपेंडेंसेज है, और यहाँ पे प्रेसिडेंट जो है इन पार्लियामेंट, जैसे कि आपका प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में है वैसे इस तरीके से ब्रिटेन में आप देखोगे तो क्रॉन इन पार्लियामेंट में है। जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है यहाँ पे वो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन को अलग यानी सेपरेट रहती है। यहाँ पे आपकी जो भी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव है वो आपका सेपरेट रहती है प्रेसिडेंशियल फॉर्म में, और जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है वो यहाँ पे आपका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट नहीं होता है कांग्रेस का, यानी ये पार्लियामेंट का पार्ट नहीं होता है। ओके, तो वहाँ पे उसको कांग्रेस कहते हैं वहाँ की पार्लियामेंट को, और हमारे यहाँ पार्लियामेंट कहते हैं संसद में। तो हम लोग ऑर्गेनाइजेशन देख लिए, अब हम लोग कंपोजिशन देखेंगे दोनों हाउसेज की। फर्स्ट जो कंपोजिशन है वो आपकी राज्यसभा है, तो राज्यसभा की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो हमारी 250 है, ये फिक्स है कि राज्यसभा में टोटल सीट कितनी है तो 250 है। उसमें से 238 जो है ना वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट होते हैं, यानी स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंट करते हैं, और 12 जो है यहाँ पे प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट होकर आते हैं। और अगर अभी देखेंगे आज के डेट में तो राज्यसभा में 245 मेंबर्स है, 250 यहाँ पे फिक्स किया गया है, लेकिन जितने यहाँ पे मेंबर्स आ पाते हैं उन्हीं को यहाँ पे मैक्सिमम रखा जाता है। तो आज के डेट में 245 मेंबर्स है, जिसमें कि 229 मेंबर्स जो है स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, 4 मेंबर्स यहाँ पे यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंट करते हैं, और 12 मेंबर्स जो है प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट होकर आते हैं। जो फोर्थ स्कीड्यूल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो 12 स्कीड्यूल में से जो फोर्थ स्कीड्यूल है वो यहाँ पे जो राज्यसभा में जो सीट होती है ना एलोकेशंस की वो यहाँ पे डील करती है, यानी राज्यसभा में आपके स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी से कितनी सीट होनी चाहिए ये मेंशन किया गया है फोर्थ स्कीड्यूल में, तो ये भी बात आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट में, यानी स्टेट की जो रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा में देखने को मिलती है ये आपका इलेक्ट किया जाता है इलेक्टेड मेंबर जितने भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के होते हैं, और ये जो इलेक्शन होती है ना ये आपका सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शन रिप्रेजेंटेशन से होती है, जो कि आपका सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है। और ये जो सीट अलॉट किया जाता है स्टेट में यानी राज्यसभा में वो आपके पॉपुलेशन के बेसिस पे की जाती है, यानी क्या मतलब हुआ कि पॉपुलेशन के बेसिस पे, मान लीजिए कि एक जगह आपका यूपी है और दूसरी जगह आपका उत्तराखंड है, तो यूपी की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, उत्तराखंड की पॉपुलेशन कम है, ज़्यादा कम नहीं है लेकिन हाँ यूपी के कंपैरिजन में कम है, तो नंबर ऑफ़ सीट्स आपका यूपी में बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन आप उत्तराखंड में देखोगे तो नंबर ऑफ़ सीट्स यहाँ कम होगा। तो यही बात है कि जितनी भी स्टेट की पॉपुलेशन है उस हिसाब से नंबर ऑफ़ सीट्स यहाँ पे निकल कर आती है आपके राज्यसभा के लिए। अब बात आ गई यहाँ पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशंस होती है, मीन्स किस तरीके से लोग इलेक्ट होकर आते हैं, और वो भी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। मान लीजिए कि यहाँ पे 5 कैंडिडेट है, फॉर एग्जांपल ए बी सी डी, तो यहाँ पे आपके ए बी सी डी ई ये 5 कैंडिडेट है, ओके, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है। तो यहाँ पे वोटिंग काउंट की जाती है, वन टाइम में देखा जाता है कि किन को ज़्यादा वोट दिया गया है, यानी वन टाइम में आप देखोगे ए को, बी को, या फिर सी को और डी को, यहाँ पे ई को नहीं दिया गया, फिर सेकंड टाइम में बी सी डी इस तरीके से दिया गया, फिर थर्ड टाइम में ए बी को दिया गया, फोर्थ टाइम में यहाँ पे बी और डी को दिया गया। इस तरीके से काउंट किया जाता है टोटल वोट, यानी टोटल वोट आपका कितने को कितना दिया गया, तो यहाँ पे बी को फुल दिया गया है, यानी यहाँ पे बी यहाँ पे इलेक्ट होकर आ गए, फिर उसके बाद बी को काट दिया जाता है, और फिर आपका जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट फिर आपका देखा जाता है
कि ए सी डी और ई में कितना वोट आया है। इस तरीके से आपका सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, यानी कि यहाँ पे वोट जो है ए सी डी ई में देखा जाता है कि किनको सबसे ज़्यादा वोट मिला है, फिर वो यहाँ पे चुन कर आते हैं। यानी सबसे ज़्यादा वोट अगर आप देखोगे तो ई को मिला है, ई को काट के निकालो, फिर उसके बाद यहाँ पे ए सी डी के बीच में देखा जाता है तो ए भी यहाँ पे आते हैं, डी आते हैं। तो इस तरीके से आपका वोट जाता है लोगों पर और लोग यहाँ पर चुन कर आते हैं। और जो नंबर ऑफ़ रिप्रेजेंटेटिव है ना, ये स्टेट टू स्टेट वैरीज़ करते हैं। तो स्टेट टू स्टेट तो वैरी करेगा ही, क्योंकि पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है। जैसे आप यूपी में देख सकते हो, यूपी के 31 मेंबर होते हैं। वहीं अगर त्रिपुरा की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ 1 मेंबर होते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ़ पॉपुलेशन त्रिपुरा में बहुत कम है एज़ कंपैरिजन टू यूपी। और यूएसए की बात करें तो सारे स्टेट यहाँ पे इक्वल रिप्रेजेंटेशन देते हैं सीनेट में, और उनके पॉपुलेशन के हिसाब से। और यूएसए में 50 स्टेट्स है और सीनेट में जो है 100 मेंबर्स आते हैं, दो हर एक स्टेट से आते हैं। तो यहाँ पे इक्वल रिप्रेजेंटेशन होता है, लेकिन हमारे यहाँ तो पॉपुलेशन के बेसिस पे ही होता है, इसलिए ये डिफरेंस है। तो आपको हमेशा कंपेयर करके पढ़ते रहिए इंडिया और आपको अमेरिका का, तो ज़्यादा आपको याद भी रहेगा और क्लियरिटी भी रहेगी। अब तो हम लोग देख चुके हैं कि स्टेट की रिप्रेजेंटेशन क्या है, अब हम लोग आते हैं यूटी की, यानी यूनियन टेरिटरी की रिप्रेजेंटेशन क्या है। तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन अगर हर यूनियन टेरिटरी की देखें राज्यसभा में, तो ये इनडायरेक्टली इलेक्ट होकर आते हैं, और ये इलेक्ट्रल कॉलेज होती है जिसके थ्रू ये इनडायरेक्टली इलेक्ट होकर आते हैं, और कुछ यहाँ पे पर्पस के लिए। और ये जो इलेक्शन होती है ना, ये आपका साथ ही साथ होता है, जैसे सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है ना, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, तो उसी तरीके से होता है, लेकिन ये इनडायरेक्टली होती है। 7 यूनियन टेरिटरीज़ में आपको सिर्फ 2 दिखेगी जो कि राज्यसभा में रिप्रेजेंट कर पाती है, क्योंकि यहीं पे आपकी स्टेट लेजिस्लेचर है, यानी दिल्ली है और पौंडीचेरी है। यहाँ पे ये 2 यूनियन टेरिटरीज़ है जो कि रिप्रेजेंट कर पाती है, क्योंकि पॉपुलेशन अगर और भी 5 यूनियन टेरिटरीज़ का आप देखोगे तो बहुत कम है, जो कि यहाँ पर इतना ज़्यादा वहाँ पे पॉपुलेशन कम है कि उनको यहाँ पे आप राज्यसभा के सीट्स के लिए एलोकेट नहीं कर पाओगे। तो इसलिए सिर्फ 2 यूनियन टेरिटरीज़ यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है। साथ ही अगर हम लोग नॉमिनेटेड मेंबर की बात करें, तो प्रेसिडेंट यहाँ पे 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा में। वो भी कौन कौन पर्सन होते हैं, क्यों नॉमिनेट करते हैं? नॉमिनेट इसलिए करते हैं ना क्योंकि वो सारे पर्सन कुछ स्पेशलाइज्ड पर्सन होते हैं, उनके पास कुछ स्पेशल तरीके का नॉलेज होता है, कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होती है, जो कि आर्ट में हो, लिटरेचर में हो, साइंस में हो या सोशल सर्विस में हो, किसी भी फील्ड में कोई भी इंसान जो कि यहाँ पे स्पेशल नॉलेज उनको रहता है, तो वही उनको प्रेसिडेंट यहाँ पे नॉमिनेट करके भेजते हैं। तो इसलिए इनको नॉमिनेट किया जाता है, डायरेक्ट प्रेसिडेंट के द्वारा ही नॉमिनेट किया जाता है। रीज़न जो इनके पीछे है ना कि नॉमिनेशंस क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे एक एमिनेंट पर्सन्स को भी इस तरीके का सीट प्रोवाइड करना चाहिए राज्यसभा में, जो कि अपने जगह पे अपने फील्ड में काफ़ी मास्टर होते, तो उनको भी ये सीट देना चाहिए, इसलिए इनको यहाँ पे डायरेक्ट नॉमिनेट करके लाया जाता है, ना कि यहाँ पे इलेक्शन के प्रोसेस से। और अमेरिकन सीनेट की बात करें तो यहाँ पे कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर नहीं होते हैं। अब आते हैं लोकसभा के कंपोजिशन के बारे में। तो जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है लोकसभा की वो है 552, ओके, और राज्यसभा का कितनी थी 250। तो इसमें से 530 जो है ना वो यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट होते हैं, 20 की बात करें तो ये आपके रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनियन टेरिटरीज़ होते हैं, और 2 मेंबर जो हैं यहाँ पर नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, जो कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के होते हैं। आज के डेट में बात करें तो लोकसभा में 545 मेंबर है, इतना यहाँ पे चुनकर आए हैं, ओके, ये मैक्सिमम है कि इतना तक तो पहुँचना ही है, इसके बाहर जो है मेंबर आपके नहीं बढ़ सकते, लेकिन हाँ इसके कम हो सकते हैं। तो आज के डेट में आपको याद रखना है, हर बार जब आपकी लोकसभा बनती है तो उस समय आपको पता होना चाहिए कि कितना मेंबर होते हैं। तो 545 आज के डेट में है, जिसमें से 530 मेंबर्स जो है वो स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, 13 मेंबर जो है वो यूनियन टेरिटरी को रिप्रेजेंट करते हैं, और 2 जो है एंग्लो इंडियन मेंबर को यहाँ पर नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। तो अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट देते हैं कि लोकसभा में कैसा होता है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट अगर लोकसभा की बात करें तो ये डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं पीपल्स, जो कि आपके टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी से आते हैं। जैसे वहाँ पे क्या था, राज्यसभा में क्या था कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से उनको इलेक्ट किया जाता है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली ये इलेक्ट होकर आते हैं। जो इलेक्शन होती है हमारे यहाँ वो लोकसभा के लिए होती है, अभी भी जो इलेक्शन चल रही है वो लोकसभा के लिए ही चल रही है। तो इस तरीके के मेंबर जो हम जिनको वोट देते हैं वो चुन के जाते हैं, तो वो लोकसभा में बैठते हैं। ये जो इलेक्शन है ना, ये आपका प्रिंसिपल जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज़ है उनके ऊपर है। यानी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज़ क्या होता है, जैसे हम और आप है 18 ईयर से ऊपर है, तो जो भी इंसान यहाँ पे 18 ईयर से ऊपर उनकी एज हो जाती है, तो उनको यहाँ पे वोट देने का अधिकार हो जाता है। तो ये वोट देने का अधिकार हमारे यहाँ सबको है, ना कि किसी स्पेसिफिक किसी भी है, यानी यहाँ सिर्फ विमेन दे सकती है या फिर सिर्फ बच्चे दे सकते हैं, सिर्फ बूढ़े दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। 18 साल से लेकर आपकी जब तक आयु है तब तक आप यहाँ पे वोट दे सकते हो। ये प्रिंसिपल है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेस का। हर एक इंडियन सिटीजन जिसकी एज जो है 18 साल से ज़्यादा है और यहाँ पे वो
आप यहाँ पे वोट दे सकते हो लेकिन यहाँ पे डिसक्वालीफाइड नहीं हो सकता। कोई भी यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस नहीं है कि डिसक्वालीफाइड हो जाएंगे या फिर कोई भी लॉ ऐसा एलिजिबल नहीं है कि वोट यहाँ पे इलेक्शन में दिया जाएगा। तो जो वोटिंग एज है ना वो भी रिड्यूस किया गया। आप 1998 से पहले आप देखोगे तो यहाँ पे वोटिंग एज जो था वो 21 था, यानी आप अगर 21 ईयर्स के हो गए तभी आप वोट दे सकते हो। लेकिन 21 से यहाँ पे 18 एज हो गया और ये आपका 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू हुआ था जो कि 1988 था। तो ये भी आपको याद रखना है। रिप्रेजेंटेशन अगर हम लोग यूनियन टेरिटरी में देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे पार्लियामेंट को एम्पावर की है कि वो कुछ यहाँ पे मैनर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं कि किस तरीके से यूनियन टेरिटरी के लोगों को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाए लोकसभा में। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि पार्लियामेंट ने यहाँ पे यूनियन टेरिटरीज जो है एक्ट निकाल कर लाए थे 1965 में, जिसके थ्रू जो लोकसभा में मेंबर आते हैं यूनियन टेरिटरी से वो डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा ही चूज़ किए जाते हैं। नॉमिनेट मेंबर भी होते हैं, तो जो प्रेसिडेंट है वो नॉमिनेट करते हैं दो मेंबर, वो भी एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के। अगर ये कम्युनिटी इतने एडिक्वेट नहीं है, अगर इनका रिप्रेजेंटेशन या फिर इनका पॉपुलेशन उतनी मात्रा में नहीं है तो ये यहाँ पे नहीं रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन अगर उनकी मात्रा यहाँ पे बहुत कम होती है, ये कम्युनिटी की जनसंख्या बहुत कम होती है, तो जिस हिसाब से भी है तो कम से कम यहाँ पे दो आ सकते हैं। अगर ओरिजिनली आप देखोगे तो ये प्रोविजंस जो है आपका ऑपरेट हुआ था 1960 से, लेकिन फिर इसको बाद में एक्सटेंड कर दिया है कि 2020 तक ये आपका एक्सटेंड रहेगा और ये किया गया है 95th अमेंडमेंट एक्ट 2009 का। अब आते हैं सिस्टम ऑफ इलेक्शन कि हमारे लोकसभा का इलेक्शन कैसे होता है, क्योंकि लोकसभा में जो लोग आते हैं वो इलेक्शंस के थ्रू ही आते हैं। तो जो बहुत सारे यहाँ पे एस्पेक्ट आपको देखने को मिलेंगे कि यहाँ पे जो सिस्टम ऑफ इलेक्शंस देखने को मिलता है लोकसभा में, तो सबसे पहला होता है टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी, यानी यहाँ पे अगर डायरेक्ट इलेक्शंस देखें तो लोकसभा के लिए तो डायरेक्ट इलेक्शन होती है, तो इस पर्पज़ को होल्ड करने के लिए हर एक स्टेट में यहाँ पे टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी यहाँ पे डिवाइड किया गया है। इसके साथ ही आप देखोगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में दो प्रोविजंस दी गई है, यानी हर एक स्टेट को यहाँ पे नंबर ऑफ सीट अलॉट करना होता है लोकसभा में। लोकसभा में हर एक स्टेट की यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे आप अपने स्टेट में जाके, स्टेट में नहीं, आप जिस भी स्टेट में रहते हो आप अपने स्टेट का बता सकते हो कि आपके स्टेट में से लोकसभा में कितनी नंबर ऑफ सीट्स है, तो आप वो चेकआउट कर सकते हो, गूगल कर सकते हो और कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो ऐसे अगर आप लोग हर अपने स्टेट का यहाँ पे नीचे कमेंट बॉक्स में बताओगे तो ऐसे दूसरे लोग को भी पता चल जाएगा और आपको भी दूसरे स्टेट का जानने की ज़रूरत पड़ जाएगा। तो आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो आप अपने स्टेट की ज़रूर यहाँ पे नंबर ऑफ़ सीट लिखे कि आपको लोकसभा में आपके स्टेट से कितना नंबर ऑफ़ सीट्स है। इस तरीके से ये जो मैनर रेशियोस है ना, ये आपका नंबर भी शो करता है और पॉपुलेशन भी शो करता है, जो कि सारे स्टेट के लिए सिमिलर होती है। ये प्रोविजंस जो है अप्लाई नहीं होता है उस स्टेट में जहाँ पे पॉपुलेशन आपका 6 मिलियन से कम है। तो 6 मिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन होना चाहिए तभी उस स्टेट में नंबर ऑफ़ सीट्स लोकसभा के लिए दी जाती है। दूसरी प्रोविजंस ये है कि हर एक स्टेट यहाँ पे डिवाइड किया गया है टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी में इस तरीके से और इस मैनर में किया गया है जो कि आपका पॉपुलेशन और जो कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी की है और यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ सीट्स यहाँ पे अलॉट किया गया है वो भी आपका सेम है पूरी स्टेट में। तो इस तरीके से आपका दोनों जो प्रोविजंस है वो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी भी दी गई है कि रिप्रेजेंटेशन जो स्टेट से होती है वो यूनिफॉर्म यानी बराबर से होना चाहिए डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के बीच में और डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी के बीच भी जो कि सेम स्टेट में है। तो जो एक्सप्रेशन है पॉपुलेशन का, इसका मतलब है कि पॉपुलेशन जो यहाँ पे प्रिसीडिंग सेंसस यानी जो पहली वाली सेंसस है ना उससे यहाँ पे बताया जाएगा कि कितनी पॉपुलेशन है। यानी आज के डेट में हमारे यहाँ जो अभी इलेक्शन हो रहा है वो 2011 की सेंसस को देख के चल रही है। इससे पता चल रहा है कि आपके गुजरात में, बिहार में, झारखंड में या फिर दिल्ली में या फिर तमिलनाडु में कितनी यहाँ पे आपकी नंबर ऑफ पॉपुलेशन है, तो उस हिसाब से यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स दिया जा रहा है। अब देखते हैं कि हर एक सेंसस के बाद रीएडजस्टमेंट होती है, क्योंकि सेंसस आप देखते हो 10 साल में होती है जनगणना, तो हर एक सेंसस के बाद रीएडजस्टमेंट किस तरीके से होती है ये देखते हैं। हर एक सेंसस के बाद यहाँ पे रीएडजस्टमेंट किया जाता है, जैसे कि एलोकेशन ऑफ सीट लोकसभा में किया जाता है स्टेट का, और यहाँ पे हर एक स्टेट को यहाँ पे टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी के हिसाब से डिवाइड किया जाता है। साथ ही साथ पार्लियामेंट जो है उनको यहाँ पे इतनी शक्ति दी गई है कि वो अथॉरिटी को डिटरमाइन कर सके और एक तरीका भी जिस तरीके से इसको बनाया जाए। तो पार्लियामेंट यहाँ पे इनेक्ट किए थे डीलिमिटेशन कमीशन, यानी यहाँ पे आपका लिमिटेशन नहीं है, यानी यहाँ पे आपका फिक्स नहीं कर दिया गया है कि अगर यहाँ पे आप देखोगे कि यूपी से अगर 80 सीट्स है लोकसभा में तो ये आपका फिक्स हो गया, नहीं। अगर ये आप मान लो कि कब का है तो ये 2001 का है, 2001 की पॉपुलेशन के हिसाब से 80 नंबर ऑफ़ सीट दिया गया। लेकिन वही आप मान लो कि 2011 में अगर नंबर ऑफ़ पॉपुलेशन यूपी की डाउन हो जाए 2001 की कंपैरिजन में, तो क्या होगा कि नंबर ऑफ़ सीट्स भी आपका डाउन हो जाएगा, ये आपका 80 से कम होकर 75 या 76 में चला जाएगा। जितना डाउन होगा उतना यहाँ पे नंबर ऑफ़ सीट्स डाउन हो जाएगा, और अगर वैसे ही कुछ स्टेट की अगर पॉपुलेशन यहाँ पे बढ़ गई तो उस हिसाब से यहाँ पे नंबर ऑफ़ सीट भी बढ़ जाएगा। तो ये कहा गया था डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट में, जो कि ये बार बार इंप्लीमेंट होता है 1952 में हुआ, 62 में, 72 में और 2002 में।
यानी हर एक 10 साल के सेंसस के बाद इसको यहाँ पे अमेंड किया गया। 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो 1976 की, वहाँ पे ये कहा गया था कि एलोकेशन ऑफ सीट्स जो लोकसभा में होती है ना स्टेट का, और जो डिविजन्स होता है हर एक स्टेट का टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी में, वो 2000 तक ही था और ये 1971 के लेवल पे था। और ये जो बैन था ना ये रीएडजस्टमेंट का, वो फिर एक्सटेंड किया गया 25 ईयर्स तक। पहले जब इसको बनाया गया था तो ये 2000 तक ही था, लेकिन फिर इसको और 25 साल के लिए आगे बढ़ा दिया गया, यानी अब ये चल रहा है हमारे यहाँ 2026 तक। और ये 84th अमेंडमेंट एक्ट के तहत चला था जो कि 2001 में आया था, और इसकी भी ऑब्जेक्टिव सेम थी कि यहाँ पे पॉपुलेशन को इंक्रेज करना है यहाँ पे मेजर्स को लिमिट करते हुए। 84th अमेंडमेंट एक्ट की बात करें जो 2001 की थी, यहाँ पे गवर्नमेंट को इम्पावर किया गया था कि वो यहाँ पे रीएडजस्टमेंट देखे और रैशनलाइज करे टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी को स्टेट में पॉपुलेशन के बेसिस पे, जो कि 1991 की सेंसस थी। बाद में 87th अमेंडमेंट एक्ट निकल कर आया 2003 की, जो कि डीलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी यहाँ पे प्रोवाइड की थी, वो भी 2001 के सेंसस में, ना कि 1991 के सेंसस में। और ये आपका हुआ था बिना किसी भी नंबर ऑफ सीट को यहाँ पे अल्टर किए हुए, जो भी लोकसभा में यहाँ पे हर एक स्टेट से एलोकेटेड था। ओके, तो ये आपको पता चल गया डीलिमिटेशन कमेटी का क्या काम है, कि यहाँ पे हर एक 10 साल के बाद सेंसस के बाद जो है नंबर ऑफ सीट्स को अप एंड डाउन करना है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ पॉपुलेशन। अब आते हैं नेक्स्ट कि स्केड्यूल कास्ट और स्केड्यूल ट्राइब्स के लिए एज यूजुअल यहाँ पे रिजर्वेशन ऑफ सीट्स होगी। ओके, जैसे लोकसभा है राज्यसभा है तो यहाँ पे रिजर्व भी तो सीट्स होंगे ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे अबेंडन करती है कि जो सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन है, यानी यहाँ पे आपका रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाता है स्केड्यूल कास्ट और स्केड्यूल ट्राइब के लोगों को लोकसभा में, और ये उनके पॉपुलेशन रेशियो के बेसिस पे। ओरिजिनल अगर आप देखोगे तो ये जो रिजर्वेशन है ना, ये आपका 10 ईयर्स तक था, यानी अप टू 1960 तक ये ऑपरेट होता था, लेकिन फिर इसको एक्सटेंड किया गया, बढ़ाया गया कंटिन्यूसली, और ये 10 साल तक बढ़ाते चला गया, हर एक 10 साल में ये बढ़ाया गया। और 95th अमेंडमेंट एक्ट जो 2009 की थी, ये रिजर्वेशन फिर अब कब तक रहेगा, तो 2020 तक रहेगा, फिर उसके बाद आगे अमेंडमेंट आएगी, फिर इसको 10 साल तक बढ़ाया जाएगा। तो ये जो सीट्स यहाँ पे रिजर्व किया जाता है स्केड्यूल कास्ट और स्केड्यूल ट्राइब के लिए, ये इलेक्ट किए जाते हैं जितने भी आपके वोटर्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उससे यहाँ पे निकल कर आते हैं, ना कि इनके लिए कोई अलग से इलेक्ट्रेट होता है, कुछ अलग से नहीं होता है। जो यहाँ पे आपका जनरल असेंबली की तरफ से, जो आपका यहाँ पे जनरल इलेक्शन की तरफ से जो लोग यहाँ पे जीत कर आते हैं लोकसभा में, उसी में से ये जो सीट रिजर्व है उसी में से ये आते हैं। जो आपके अगर कोई स्केड्यूल कास्ट और स्केड्यूल ट्राइब के मेंबर यहाँ पे अगर वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, इलेक्शन में कंटेस्ट हो रहे हैं, तो उनको यहाँ पे रोका नहीं जाएगा कि वो यहाँ पे जेंडर सीट से भी कंटेस्ट करें, यानी रिजर्व्ड कैटेगरीज के लोग यहाँ पे नॉन रिजर्व्ड सीट्स के थ्रू भी यहाँ पे वो इलेक्शन यहाँ पे लड़ सकते हैं, यानी कंटेस्ट कर सकते हैं। 84th अमेंडमेंट एक्ट अगर 2001 की देखें तो यहाँ पे कुछ रीफिक्सिंग जो रिजर्व्ड सीट्स है ना, यानी जो बेसिस पॉपुलेशन के बेसिस पे जो कि 1991 के सेंसस के थ्रू हुआ था, तो यहाँ पे आपका रैशनलाइज किया गया है कुछ जनरल सीट्स। यानी बाद में फिर क्या हुआ कि 87th अमेंडमेंट एक्ट निकल कर आई और यहाँ पे रीफिक्सिंग किया गया, फिर से इसको फिक्स किया गया जितनी भी रिजर्व्ड सीट्स थी, और ये आपका फिर से हुआ 2001 के सेंसस के बेसिस पे, ना कि 1991 के सेंसस के बेसिस पे। तो जिस स्टेट की भी यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ती है, तो उस स्टेट की जो नंबर ऑफ सीट है वो भी बढ़ जाती है। अब आते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशंस जो आपका अडॉप्ट नहीं किया गया, यानी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप देखोगे तो यहाँ पे सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशंस जो है राज्यसभा में, इन द राज्यसभा अडॉप्ट किया गया, और ये आपका प्रेफर्ड नहीं किया गया लोकसभा के लिए। तो राज्यसभा में तो इस तरीके से हम लोग इलेक्शन करा देते हैं कि सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, लेकिन लोकसभा में हम लोग इतना इलेक्शन क्यों कराते, इतना खर्चा क्यों कराते, अब वो समझते हैं। यहाँ पे जो अडॉप्ट किया गया था ना सिस्टम ऑफ जो टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन, वो आपका लोकसभा के लिए था कि यहाँ पे लोग जो है आके वोट करेंगे, अपनी जनता अपनी सरकार खुद चुनेंगे। अगर टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन में आप देखिएगा तो हर एक मेंबर जो लेजिस्लेचर के होते हैं वो ज्योग्राफिकल एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं। टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी कैसे हो गया, जैसे कि आपका कोई भी एक ज्योग्राफिकल एरिया है वहाँ पे अगर कोई लेजिस्लेचर है तो वहाँ के लेजिस्लेचर के मेंबर उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसको कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं। तो हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में सिर्फ और सिर्फ वन रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होते हैं, यानी एक जगह से, जैसे आप देख लो कि कोई भी आप अगर स्टेट में हो, अगर कोई भी डिस्ट्रिक्ट में हो, तो वहाँ से एक लोग जो है एक यहाँ पे आपके पॉलिटिशियंस जो है वहाँ पे कंटेस्ट करते हैं, कोई भी एक पर्सन यहाँ पे इलेक्शन कंटेस्ट करता है। तो सिर्फ एक ही एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से ना यहाँ पे सिर्फ एक इलेक्शन यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होंगे, और इस तरीके की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है ना इसको सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं। इसी सिस्टम में आप देखोगे तो जो कैंडिडेट यहाँ पे सिक्योर करते हैं मेजोरिटी ऑफ वोट, यानी जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा वोट जीत जाते हैं वो यहाँ पे उनको यहाँ पे विनर माना जाता है। तो ये सिंपल मेजोरिटी सिस्टम जो रिप्रेजेंटेशन है ना, ये रिप्रेजेंट नहीं करता पूरी तरीके से इलेक्ट्रोट को, यानी यहाँ पे आपका सिक्योर नहीं है
रिप्रेजेंटेशन जो माइनॉरिटीज़ को दिया जाता है ना, उसकी माइनॉरिटीज़ की रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाती है, मेजोरिटी की हो जाती है। तो जो सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है उसका एम है कि जो आपके टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन का जो डिफेक्ट है ना उसको हटाना। यानी जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से क्या होता है कि ऊंचे तबके के लोग आ जाते हैं, ऊंचे तबके भी नहीं कहोगे तो आप जो मेजोरिटी में लोग हैं वो यहाँ पर ज़्यादा आते हैं, माइनॉरिटीज़ की रिप्रेजेंटेशन बहुत कम हो जाती है। तो इस चीज़ को, इस गलत चीज़ों को यहाँ से हटाने के लिए यहाँ पर हम लोग जो है वोटिंग कराते हैं। वोटिंग में आप देखते हो कि हर एक लोगों को यहाँ पे ओपन है कि वो यहाँ पे आके वोट करे, हर एक इंसान का यहाँ पे हक है। लेकिन यहाँ पे जब आप देखते हो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, तो उसमें तो हम लोग यहाँ पे नहीं ना आ पाते। तो ये सिस्टम के अंदर क्या हुआ कि जितने भी सेक्शंस के लोग हैं वो यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं और उनके नंबर के हिसाब से होता है। इवन यहाँ पे स्मॉलेस्ट सेक्शन जो पॉपुलेशन के होते हैं ना, वो भी अपनी रिप्रेजेंटेशन को शेयर कर पाते हैं लेजिस्लेचर में। तो यहाँ पे दो तरीके का आपका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है, एक होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम और एक होता है लिस्ट सिस्टम। यानी इंडिया में आप देखोगे तो फर्स्ट जो काइंड है वो अडॉप्ट किया गया, यानी हम लोग क्या अडॉप्ट किए, सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम अडॉप्ट किए, वो भी राज्यसभा के मेंबर को इलेक्ट करने के लिए और लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर को इलेक्ट करने के लिए। और अगर प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए देखें तो हम लोग यही प्रोसेस अपनाते हैं, वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी यही अपनाते हैं। तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम हम लोग कहाँ का अपनाते हैं, तो राज्यसभा के मेंबर के लिए, लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर के लिए, प्रेसिडेंट के लिए और वाइस प्रेसिडेंट के लिए। अगर कुछ और, अगर इसी तरीके से कुछ मेंबर की बात करें जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में है, वो यहाँ पे एडवोकेट करते हैं सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशंस जो कि इलेक्शंस देखने को मिलता है लोकसभा के मेंबर का। और जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो इस तरीके के सिस्टम को अडॉप्ट नहीं करती है दो रीज़न के कारण, कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारा जो संविधान है उसमें इस तरीके के दो रीज़न्स के कारण इसको अडॉप्ट नहीं करते। पहला यही है कि डिफ़िकल्ट हो जाएगा वोटर्स के लिए कि वो समझ सके सिस्टम को, क्योंकि यहाँ पर हमारे यहाँ लिटरेसी स्किल बहुत कम है, इलिटरेट जो हमारी प्रोपोर्शन से वो बहुत ज़्यादा है, लिटरेसी बहुत कम है। तो इसलिए ऐसा समझ पाना है वोटर्स के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि किस इलेक्शंस के लिए, किस पर्पस के लिए हम लोगों को यहाँ पे वोट दे रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन इस तरीके का सिस्टम नहीं दिया गया है कि आप इस सारे चीज़ों में, यानी प्रेसिडेंट हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, या फिर आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, या फिर राज्यसभा हो, इसमें आपका सिंगल वेरीफिएबल जो आपका सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है वही किया जाता है। दूसरा बात ये बात है कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में ये सूट नहीं करता है, क्योंकि टेंडेंसी जो होती है ना सिस्टम की, वो मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज़ यहाँ पे लीड करती है जो कि गवर्नमेंट को इनस्टेबिलिटी बना देगी। यानी यहाँ पे जो आपकी मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है ना, इसके कारण क्या होगा कि गवर्नमेंट इनस्टेबल हो जाएगा, इसलिए इसको यहाँ पे ग्रांट नहीं किया जाता है। इसके साथ ही जो सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है ना, उसमें कुछ कुछ डीमेरिट्स भी है, खामियाँ भी है। तो क्या क्या खामियाँ है वो देख लेते हैं। यानी कि ये बहुत ज़्यादा हाईली एक्सपेंसिव है, बहुत खर्चा है। यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में आप देखोगे कि बहुत खर्चा है, जो बार बार ये खर्चा हम लोग बियर नहीं कर सकते। और यहाँ पे कोई भी स्कोप नहीं है कि बाई इलेक्शन होगा। तीसरी बात ये है कि पूरी तरीके से एलिमिनेट करती है जो भी इंटीमेट कांटेक्ट होता है आपका वोटर और रिप्रेजेंटेटिव के बीच में। यानी जो वोटर्स होते हैं और जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनके बीच में यहाँ पे आपका कांटेक्ट नहीं होता है। साथ ही साथ ये प्रमोट करता है माइनॉरिटी थिंकिंग और ग्रुप इंटरेस्ट को। और साथ ही साथ यहाँ पे सिग्निफिकेंस जो आपका पार्टी सिस्टम का होता है वो यहाँ पे बढ़ जाता है और वोटर्स जो है यहाँ पे कम हो जाते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स है जो कि सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से निकल कर आई है। तो ये दो चीज़ें देख ली। अब आते हैं हम लोग ड्यूरेशंस ऑफ टू हाउसेज, यानी लोकसभा और राज्यसभा में किस तरीके से कितने कितने घंटे क्या क्या काम किया जाता है ये देखते हैं। तो पहले हम लोग राज्यसभा की ड्यूरेशन देख लेते हैं। जो राज्यसभा है ये हमारी फर्स्ट बन के निकली थी 1952 में, और ये कंटिन्यूइंग चैम्बर है, यानी एक परमानेंट मेंबर है, परमानेंट बॉडी है, ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होती, यानी ये ख़त्म नहीं होती, ये चलती ही रहती है। राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं होती है। 1/3 जो इसके मेंबर होते हैं ना, वो हर एक सेकेंड ईयर में रिटायर करते हैं। ओके, एक साल में नहीं, हर एक सेकेंड ईयर में 1/3 मेंबर यहाँ से रिटायर कर जाते हैं। तो 1/3 मेंबर जाते हैं, जैसे टोटल मेंबर आप देख लो फिक्स्ड है 120, तो 1/3 जो मेंबर जाते हैं, तो इसमें क्या होगा कि इसमें 8 और इसमें आपका हो जाएगा 3, यानी 83 पीपल्स या 84 पीपल्स के हिसाब से आप देख सकते हो कि 83 मेंबर्स जो है यहाँ पे हर सेकंड ईयर्स में यहाँ पे रिटायर कर जाते हैं। और उनकी जो सीट है ये फिर से फिल्ड अप होती है फ्रेश इलेक्शन के साथ और प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन के साथ, जो कि हर एक थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में हो जाता है। जो रिटायरिंग मेंबर्स है ना, वो यहाँ पे एलिजिबल है कि फिर से वो री इलेक्शन कर सकते और री नॉमिनेशन कर सकते कितने भी नंबर, यानी एनी नंबर ऑफ टाइम वो बार बार री इलेक्शन के लिए आ सकते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो यहाँ पे नंबर ऑफ जो आपका टर्म्स ऑफ जो ऑफिस है मेंबर के लिए, यानी राज्यसभा के जो मेंबर है उनके टर्म्स ऑफ ऑफिस को यहाँ पे फिक्स नहीं किया, और ये पार्लियामेंट के ऊपर छोड़ दिया गया है कि पार्लियामेंट यहाँ पे फिक्स करेगी कि राज्यसभा के मेंबर्स का टर्म कितना दिन तक होना चाहिए।
पार्लियामेंट यहाँ पे रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल एक्ट के दौरान ये प्रोवाइड की है कि टर्म्स ऑफ ऑफिस जो आपके राज्यसभा के मेंबर्स के लिए होना चाहिए वो 6 ईयर्स तक होना चाहिए। और ये जो एक्ट है ये एम्पावर करती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कि यहाँ पे कर्टल करे जितने भी टर्म्स ऑफ मेंबर है जो यहाँ पे फर्स्ट राज्यसभा में चूज़ किए गए थे। जो फर्स्ट बैच है ये यहाँ पे डिसाइड किया गया था लॉटरी के दौरान और यहाँ पे उनको रिटायर होना चाहिए था। जो एक्ट था वो यहाँ पे प्रेसिडेंट को ऑथराइज़ करती है कि कुछ प्रोविजंस बनाए जिसके थ्रू जो ऑर्डर है ना रिटायरमेंट का राज्यसभा के मेंबर का वो यहाँ पे गवर्न हो सके। तो टोटल टेन्योर कब तक हो गया, तो राज्यसभा के मेंबर का 6 ईयर्स तक टेन्योर है। अब आते हैं हम लोग लोकसभा की ड्यूरेशंस भी देख लेते हैं। तो राज्यसभा की जैसा जो लोकसभा है वो कंटिन्यूइंग चैम्बर नहीं है, यानी ये नॉर्मल टर्म इनका 5 ईयर है, ये फिक्स्ड है जब से यहाँ पे फर्स्ट मीटिंग होती है हर एक जनरल इलेक्शन के बाद। उसके बाद ये ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है, खुद पे खुद ये ख़त्म हो जाती है। प्रेसिडेंट जो है ऑथराइज़ किए हुए है कि लोकसभा को वो डिसॉल्व कर सकते हैं कभी भी, यानी प्रेसिडेंट को ये पावर है कि 5 साल के बाद जो लोकसभा ऑटोमेटिकली डिसॉल्व होती है उससे पहले भी अगर प्रेसिडेंट चाहे तो इसको डिसॉल्व कर सकते हैं और इसको चैलेंज नहीं किया जाएगा कोर्ट ऑफ लॉ में, यानी कोई भी इसके अगेंस्ट में खड़ा नहीं हो सकता, कोर्ट का जो दरवाज़ा उसको खटखटा नहीं सकता। जो टर्म है ना आपका लोकसभा का वो एक्सटेंड किया गया है आपका पीरियड जो भी नेशनल इमरजेंसी में, अगर नेशनल इमरजेंसी हमारे यहाँ लगती है तो जो हमारी जो टेन्योर है लोकसभा की तो वो बढ़ सकती है और ये आपका जो है लॉ ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू होगा और ये 1 साल तक बढ़ सकती है ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, और ये जो एक्सटेंशन है ना ये कंटिन्यू नहीं होगा आपका पीरियड ऑफ 6 मंथ, यानी 6 मंथ के बाद ये कंटिन्यू नहीं होगा जब यहाँ पर इमरजेंसी जो है ऑपरेट हो जाएगी। ओके, तो अब नेक्स्ट चीज़ देखते हैं कि मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट, यानी लोकसभा और राज्यसभा में क्या क्या क्वालिफिकेशन है, क्या डिसक्वालिफिकेशन है। तो पहले क्वालिफिकेशन देखते हैं कि किस तर्ज पर वो चुन के आते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे कुछ फॉलोइंग क्वालिफिकेशंस दी है कि पर्सन यहाँ पे किस तरीके से पार्लियामेंट की मेंबर बन सकते हैं। फर्स्ट है कि उनको मस्ट है कि वो इंडिया के सिटीजनशिप होनी चाहिए। सेकंड चीज़ है कि वो यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं जो भी ओथ है एफर्मेशन है वो पर्सन जो भी यहाँ पे इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो ऑथराइज़ किए गए हैं तो उनके सामने उनको ओथ लेना है उनका अपने पर्पज़ के लिए। और इस ओथ में और एफर्मेशन में वो यहाँ पे कसम खाएंगे कि वो यहाँ पे ट्रू फेथ के साथ सच्चाई के साथ यहाँ पे काम करेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को भी यहाँ पे होल्ड करके रखेंगे, साथ ही हमारी कंट्री की इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी के लिए वो यहाँ पे हमेशा तात्पर्य रहेंगे। तो यहाँ पे दो चीज़ होती है, आपकी ओथ भी होती है एफर्मेशन भी होती है। तो ओथ जैसे हम लोग कहते हैं ना कि भगवान के नाम पर ये, अल्लाह के नाम पर ये, ओके गॉड लॉर्ड जीसस के नाम पर ये, तो जो भी अपने जो भी यहाँ पे रिलीजन है हर एक रिलीजन जब अपने गॉड के नाम पर जब ये शपथ लेते हैं कसम खाते तो वो ओथ होता है। कुछ लोग यहाँ पे नास्तिक भी होते हैं या फिर कुछ लोग जो है भगवान के नाम पे यहाँ पे शपथ नहीं खाते, लेकिन हाँ वो ट्रूली फ्रॉम द कोर ऑफ द हर्ट वो ऐसा शपथ खाते हैं तो उनको यहाँ पे जब शपथ लेते हैं तो उनको यहाँ पे एफर्मेशन कहते हैं। तो बस यही डिफरेंस होता है। उसके बाद यहाँ पे थर्ड पॉइंट है कि उनकी जो एज है ना वो 30 ईयर्स से कम नहीं होना चाहिए राज्यसभा के केस में और 25 ईयर्स से कम नहीं होना चाहिए लोकसभा के केस में। साथ ही वो यहाँ पे दूसरी क्वालिफिकेशंस भी प्रोसेस कर सकते हैं जो कि पार्लियामेंट के द्वारा प्रिस्क्राइब किया गया है। जो पार्लियामेंट है यहाँ पे कुछ एडिशनल क्वालिफिकेशंस भी रखी है, जैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 निकल कर आया था तो यहाँ से भी कुछ यहाँ पे प्रोविजंस दिया गया था कि क्या क्या क्वालिफिकेशंस क्राइटेरिया होना चाहिए लोकसभा के मेंबर के लिए और राज्यसभा के मेंबर के लिए। तो यहाँ पे फर्स्ट है कि वहाँ पे उनको रजिस्टर करना होगा एज ए इलेक्टोरल जो भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो आएंगे और ये सेम आपका दोनों केस में होगा राज्यसभा के लिए और लोकसभा के लिए। जो रिक्वायरमेंट है कि कैंडिडेट यहाँ पे कंटेस्ट करे एक इलेक्शन जो कि राज्यसभा का हो तो वो एक पर्टिकुलर स्टेट से होना चाहिए लेकिन वो इलेक्ट्रल होना चाहिए और उस पर्टिकुलर स्टेट से वो डिस्पेंड करना चाहिए और ये विद इन 2003 में। 2006 में क्या हुई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी दे दिया इस चेंज के लिए। इसका मतलब है कि जिस स्टेट से वो चुनकर आ रहे हैं उसी स्टेट के वो इलेक्ट्रॉल होना चाहिए। सेकंड बात ये कही गई है कि जो मेंबर है स्केड्यूल कास्ट और स्केड्यूल ट्राइब के किसी भी स्टेट या किसी भी यूनियन टेरिटरी के, अगर वो चाहे तो यहाँ पे सीट रिजर्व में वो कंटेस्ट कर सकते हैं, वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। और जो मेंबर स्केड्यूल कास्ट और स्केड्यूल ट्राइब के वो यहाँ पे आपका सीट भी वहाँ पे वो सीट मतलब कि यहाँ पे अगर वो नॉन रिजर्व सीट से भी वो यहाँ पे इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं। तो स्केड्यूल कास्ट और स्केड्यूल ट्राइब के लिए दोनों ऑप्शन है। तो ये यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट्स के दौरान निकल कर आया। अब क्वालिफिकेशंस है तो उसके बाद डिसक्वालिफिकेशंस भी तो है ना, अगर किसी ने उल्लंघन किया लॉ को तोड़ा तो उसके लिए तो डिसक्वालीफाई भी है यानी उसको निकाल देना है भी है। तो ये इसके बारे में क्या चीज़ है वो देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर देखेंगे तो जो पर्सन है उनको यहाँ पे डिसक्वालीफाइड भी किया जाएगा, जो इलेक्ट होकर आएंगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में तो उनको यहाँ से निकाला भी जा सकता है अगर वो कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यहाँ पे होल्ड करते हैं जो यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में होती है, एक्सेप्ट वो मिनिस्टर और कोई और जो ऑफिस जो यहाँ पे एग्जेम्प्ट किया गया है पार्लियामेंट के द्वारा। सेकेंड बात यह है कि वो अनसाउंड माइंड है यानी कि उनका जो दिमाग है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है और ये डिक्लेयर
हो गया है कोर्ट के द्वारा। थर्ड चीज़ है कि वो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, यानी उन्होंने कहीं पे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा है, वो इंसॉल्वेंट हो चुके हैं। फोर्थ है कि अगर ये पता चल गया कि वो इंडिया के सिटीजन्स नहीं है तो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, और यहाँ पे अगर उन्होंने कोई भी फॉरेन स्टेट की यहाँ पे सिटीजनशिप एक्वायर कर रखी है तो भी उनको यहाँ पे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। फिफ्थ बात है कि उनको यहाँ पे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा किसी भी लॉ जो कि आपका पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया है। तो पार्लियामेंट यहाँ पे कुछ और प्रोविजंस एडिशनल डिस्क्वालिफिकेशंस रखी थी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत, तो यहाँ पे कुछ प्रोविजंस इसके तहत भी है, वो भी देख लेते हैं। यानी अगर कोई भी सर्टेन इलेक्शन ऑफेंसेस के द्वारा ऑफेंस जब हो रही है, कोई भी सर्टेन इलेक्शन अपराध है या फिर करप्ट प्रैक्टिस अगर उन्होंने इलेक्शन में किया है तो उनको यहाँ से निकाल दिया जाएगा। फिर दूसरी बात है कि अगर वो यहाँ पे पाए गए कोई भी ऑफेंस, जो भी कोई भी अपराध यहाँ पे अगर पाया गया है तो उनको अगर 2 साल का जेल हो गया या 2 साल से ज़्यादा जेल हो गया तो भी उनको यहाँ पे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के तहत। उनको यहाँ पे अगर यहाँ पे जो पर्सन है, यानी डिटेंशन ऑफ पर्सन जो अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंदर आता है तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा, लेकिन अगर यहाँ पे आपका कोई भी इंसान जो है ये किसी भी अपराध में कॉन्विक्टेड पाया गया कि हाँ इसी ने ये अपराध किया तो उसको यहाँ पे जेल हो जाएगी 2 या 2 से ज़्यादा साल, तो उनको फिर यहाँ से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। यहाँ पे वो फेल नहीं हो, अगर वो फेल हो गए कोई भी तरीके का इलेक्शन एक्सपेंसेस को यहाँ पे लॉन्च करने में, यानी अपने अकाउंट के लॉन्च करने में अगर वो फेल हो गए कोई भी टाइम पीरियड के भी दिन, तो उनको यहाँ से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। फोर्थ बात है कि अगर उनका कोई भी इंटरेस्ट गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में दिखेगा, वर्क में दिखेगा या सर्विस में दिखेगा, तो कोई भी अगर दूसरे तरीके का इंटरेस्ट वो दिखाएंगे तो उनको हटा दिया जाएगा। फिफ्थ है कि वो यहाँ पे डायरेक्टर नहीं होना चाहिए, मैनेजिंग एजेंट नहीं होना चाहिए, जो भी कोई भी तरीके का दूसरे ऑफिस होल्ड करके रख रहे हो, दूसरे कॉरपोरेशन में काम कर रहे हो, तो यहाँ पे उनकी एटलीस्ट 25% जो शेयरिंग है ना वो नहीं होनी चाहिए, तभी उनको यहाँ पे डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट बात है कि उनको गवर्नमेंट सर्विस से भी डिसमिस कर दिया गया है करप्शन के लिए या डिसलॉयल्टी के लिए, तो भी इनको हटा दिया जाएगा। नेक्स्ट है कि यहाँ पे अगर वो कॉन्विक्ट पाया गया कि वो यहाँ पे प्रमोट करते इनमिटी को, जो कि डिफरेंट ग्रुप्स में होता है या फिर ऑफेंस होता है, जो भी यहाँ पे घूस लेन देन होती है, ब्राइबरी की यहाँ पे एक्सचेंज होती है, अगर इन सारी चीज़ों में वो यहाँ पे सम्मिलित पाए जाते तो भी इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है कि अगर वो यहाँ पे पनिश किए गए हो या फिर वो प्रीच कर रहे हो या फिर कोई भी सोशल क्राइम उन्होंने किया है, जैसे अनटचेबिलिटी की है, दौरी की है, सती की है, तो इस तरीके का अगर वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, इनके ऊपर अगर चार्जेस है, तो उनको यहाँ पे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्या यहाँ पे जो मेंबर है उनको यहाँ पे ऊपर जो डिस्क्वालीफिकेशन का जितना भी सब्जेक्ट दिया गया तो उनके ऊपर ये लागू होता है, और प्रेसिडेंट की जो डिसीजंस होती है वो लागू होती है, वो यहाँ पे फाइनल होती है। तो कौन यहाँ पे फाइनल करता है, यानी कोई भी यहाँ पे पॉलिटिशियन है जो चले लोकसभा और राज्यसभा में, उनके ऊपर ये सारी चार्जेस है और उनको यहाँ पे डिस्क्वालीफाई करना है, तो किनकी यहाँ पे फाइनल जो डिसीजंस दी जाती है, तो ये फाइनल डिसीजंस आपका जो होता है वो प्रेसिडेंट का होता है, और यहाँ पे उनको यहाँ किसी भी इलेक्शन कमीशन के ओपिनियन को यहाँ पे ऑब्टेन करना चाहिए, और यहाँ पे एक्ट के अकॉर्डिंग भी वो चलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, कल हम लोग स्टार्ट करेंगे डिस्क्वालिफिकेशंस जो कि ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन के तौर पे होगा, तो ये सारी चीज़ें आगे भी देखने वाले हम। आज के लिए इतनी ही, आराम आराम से आप लोग पढ़ते रहिए, आपका ये भी आराम से कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपको ये लेसन अच्छा लगता है तो मुझे मोटिवेट करने के लिए सिर्फ एक लाइक कर दीजिए, अगर कोई भी डाउट क्वेरी सजेशन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, और चाहे तो आप अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।